हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जे और आज हम MSI का 1650 ग्राफिक कार्ड का क्विक रिव्यू देखेंगे और उसका ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप MSI का 1650 ग्राफिक कार्ड परचेज़ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का बॉक्सिंग मिलेगा और मैं आपको क्विकली सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको एक ग्राफिक कार्ड और थैंक यू कार्ड मिलेगा, ठीक है, और एक क्विक गाइड मिलेगा आपको, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, हम सीधे बात करेंगे ग्राफिक कार्ड की और उसकी स्पेसिफिकेशन की। मैं साथ ही में MSI का ऑफिशियल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के लिए। अभी सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ ताकि जो लोग इसको परचेज करना चाहते हैं वो देख सके कि ये ओवरऑल कैसा दिखता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका बैक साइड है और फ्रंट साइड में हमें दो कूलिंग फैन दिए हुए हैं। नीचे हमें PCI एक्सप्रेस X16 मिल रहा है। अगर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक DVI मिलेगा, एक HDMI, सॉरी डिस्प्ले पोर्ट एंड एक HDMI। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की। तो अगर इसके प्रॉपरली मॉडल की बात करें तो ये है MSI GeForce GTX 1650 वेंटस XS4G OC। ये इसका प्रॉपरली मॉडल नेम है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा ताकि अगर आपको इसकी कोई डिटेल्स ऑनलाइन चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसका जो ओरिजिनल ऑफिशियल लिंक है MSI का, जहाँ से आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाएंगे इसके सभी स्पेक्स वगैरह, ठीक है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो GPU है, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, वो है इसके अंदर NVIDIA GeForce GTX 1650। ठीक है, और अगर मैं इसके इंटरफेस की बात करूँ तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये PCI Express X16 3.0 सपोर्टेड इसका इंटरफेस है। अगर कोर की बात करें तो 896 यूनिट इसके अंदर आपको कोर मिलेंगे, और अगर इसकी बूस्ट स्पीड की बात करें तो 1740 मेगाहर्ट्ज़ इसका अप्रॉक्स बूस्ट स्पीड है। और अगर मेमोरी की बात करें तो इसमें 4GB DDR5 मेमोरी है जो कि 8GBPS पे ऑपरेट हो रही है। ये 128 bit की बस को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये HDCP 2.2 पे ऑपरेट होता है और इसका जो पावर कंजप्शन है वो अप्रॉक्सीमेट 75 वोट है। मतलब कि अगर आपके पास 300 वोट या फिर उससे ज़्यादा का अगर आपके पास SMPS है तो ये ग्राफिक कार्ड इसमें आराम से प्रॉपरली चलेगा। ठीक है, और एक बात बता दूँ, ये MSI आफ्टरबर्न एप्लीकेशन और जी सिंक को सपोर्ट करता है, तो आप MSI आफ्टरबर्न की मदद से इसको अच्छे से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके मैक्स रिजोल्यूशन की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम डिजिटल रिजोल्यूशन है वो है 7680x4320। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार आपको जो इसकी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो मेमोरी है वो 8GBPS पे ऑपरेट हो रही है और इसकी बूस्ट स्पीड है अप्रॉक्सी 1740 विद द बिट विथ ऑफ 128 bit। ठीक है, और ये 75 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो अगर आपके पास 300U या फिर उससे हैवी का SMPS है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना ये फुल्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, और मैं आपको इसका बैक भी फटाफट दिखा देता हूँ ये कैसा है। बाकी मैंने इसका MSI का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सारी की सारी डिटेल्स प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।